ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज चर्चा करेंगे आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, साथ ही पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दिनांक 11 दिसंबर सन 2023, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2080 का है और हिंदी का महीना चल रहा है मार्गशीर्ष पक्ष, चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज त्रयोदशी प्रातः 7:12 तक, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाए। नक्षत्र रहेगा विशाखा, योग होगा सुकर्मा, करण होगा वाणिज्य और वृष्टि। वाणिज्य रहेगा सुबह 7:12 तक, उसके बाद वृष्टि करण आरंभ होगा। राशि रहेगी आज वृश्चिक, चंद्रमा पूरे दिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे संचार। राहु काल का जो समय है प्रातः 8:20 से लेकर प्रातः 9:38 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:53 से लेकर के दोपहर 12:34 तक रहे। इसके अतिरिक्त आज के दिन मासिक शिवरात्रि व्रत भी है और श्री बालाजी की जयंती भी है साथियों। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब होगी चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज आपका दिन, यानी कि काफी व्यस्तता के बावजूद भी आप अपने आप को अच्छा स्वस्थ महसूस करेंगे और आज के दिन पैसे की अहमियत क्या होती है ये भी आपको, इसका एहसास अच्छी तरह से रहेगा और इसीलिए आज के दिन आपके द्वारा जो भी बचाया गया धन था पास्ट में वो आपके काम आ सकता है, किसी मुश्किल से आप बाहर निकल सकते हैं उसके कारण। और आज के दिन एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार या आपके मित्र घर पर आ सकते हैं और दूसरों को खुशियां देकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएं। ऑफिस में स्नेह का माहौल बना रहेगा आपके और लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसके विषय में आज आप ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे, ये इन चीज़ों से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि आज आप खाली समय में किसी से मिलना जुलना भी ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे और एकांत में अपना मस्त रहेंगे। जीवन साथी के साथ हंसते खिलखिलाते हर पल का मजा लेते हुए आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप किशोर अवस्था में वापस लौट गए हैं। उपाय आप करें, कोढ़ियों को कुछ आर्थिक मदद या तो करें या उनको कुछ भोजन की सामग्री दें, ऐसा करने पर आपका जो लव लाइफ है वो बढ़िया होगा, मजबूत होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी और शुभ अंक आपके लिए 7। वृषभ राशि यानी कि टॉरस है। प्रिय साथियों, दूसरों के साथ अगर आप खुशियां बांटते हैं ऐसा करने पर आपकी सेहत भी अच्छी और दुरुस्त रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी अगर लेन देन के कार्य हैं वो पूरे कर पाएंगे आज के दिन आप, उससे आपको लाभ होने की भी संभावना है। आप घर वालों के साथ समय बिताना काफी अच्छा महसूस करेंगे अगर आप बिताते हैं तो, बिताने के समय पर अपने आप को, और अपने दिल की बात जाहिर करके आप स्वयं को काफी हल्का रोमांचित भी महसूस करने वाले हैं आज के दिन। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ अच्छे और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौज मस्ती के लिए घूमना संतोषजनक रहने वाला है आपके लिए आज के दिन और रोजमर्रा की शादीशुदा जिंदगी में आज का दिन काफी ऐसे महसूस करेंगे आप जैसे कोई बहुत ही टेस्टी डिलीशियस कोई स्वीट आपको खाने को मिली हो। उपाय आप करें, तंदूर या भट्टी में मीठी रोटी लगवाएं और लाल या भूरे कुत्ते को खिलाएं, आपका जो लव लाइफ है वो बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक आपके लिए 3। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जितनी भी फ्राइड चीजें हैं, तली भुनी चीजें हैं, अगर आप उनको अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी चीजों से आप किनारा करें। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा और इसके साथ ही मन को शांति भी आप आज के दिन महसूस करेंगे कि मिल रही है और अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी सुकून समृद्धि लेकर के आएगी। प्यार मोहब्बत की नजरिए से बेहतरीन दिन है और प्यार का मजा चखते रहिए। अगर आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहयोगी आपसे हो सकते हैं नाराज। वक्त से हर कार्य को पूरा करना ठीक रहता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाते हैं और अगर आप हर कार्य को कल पर टाल देते हैं तो ये मान के चलिए कि अपने लिए आप कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। बढ़िया खाना, रोमैनी पल और जीवन साथी का साथ, यही है खास आज। उपाय आप करें, केसर लगी पीली मिठाई या केसरी हलवा स्वयं तो खाएं और कुछ गरीबों में भी जरूर बांटें,
ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया, शुभ अंक आपके लिए आज 8। कर्क राशि यानी के कैंसर साइन, साथियों आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप चाहेंगे कि आप थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करें, दिमागी तौर पर कसरत करें और कुछ ऐसी चीजें पढ़ें जिससे कि आपकी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो, और अतिरिक्त आय के लिए अपनी अपने सृजनात्मक विचारों का भी आप सहारा लेने वाले हैं। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, और सावधान इस बात से रहना है कि क्योंकि कोई आपकी छवि धूमिल करने की भी कोशिश कर सकता है, तो इसलिए वहां हम आपको सावधान करने की सलाह दे रहे हैं। योग के कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा होने की भी संभावना है। खाली वक्त में आप कोई फिल्म आदि देख करके अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, और यह फिल्म आपको पसंद नहीं आएगी और आपको लगेगा कि आपने अपने कीमती वक्त को यूं ही जाया कर दिया, आप अपने कीमती वक्त को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए। आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी नोकझोंक का कारण भी बन सकता है आज। उपाय आप करें, किसी भी शनि मंदिर में जाएं और वहां पर तेल एवं प्रसाद चढ़ाने से आपका लव लाइफ बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया और शुभ अंक आपके लिए आज 9। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, साथियों अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल करना आपके जीवन साथी को कर सकता है नाराज, और आपकी लगन और मेहनत पर लोग काफी उसको नोटिस करेंगे और आपके ऊपर उनका ध्यान बना रहेगा जो आप मेहनत कर रहे हैं, और आज इसके चलते आपको कुछ वित्तीय लाभ होने की भी संभावना बनती है। पारिवारिक जो आपके सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनसे मतभेद खत्म होगा और आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से भी कर पाएंगे। ये याद रखना है कि आंखें कभी झूठ नहीं बोला करती, और आज आपके प्रिय की आंखें आपको वाकई कुछ बताने वाली हैं। आज आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों रहेंगे, और आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य रहेगा आपके लिए, लेकिन आज ऐसा दिन है जब आपके पास अपने लिए समय निकल ही आएगा किसी भी तरह से, और विवाह के बाद कई बातें जरूरत से आगे बढ़कर अनिवार्य हो जाया करती हैं, और आज ऐसी ही कुछ बातें आपको व्यस्त भी रख सकती हैं। उपाय आप करें, साधु संतों का आदर करने पर एवं उनको अपने हाथों से भोजन कराने से स्वास्थ्य आपका दिन प्रतिदिन उत्तम होगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 6। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन, प्रिय साथियों आज के दिन ऐसी चीजों पर काम करने की ज्यादा जरूरत है आपको जो आपकी सेहत में एक अच्छा सुधार ला सके, और अगर आप लोन वगैरह लेने वाले हैं या लेने वाले थे और काफी दिनों से आप इस पर काम कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, तो आज के दिन आपका ये कार्य पूरा हो सकता है, और सबको अपनी महफिल में आप आने की दावत दे सकते हैं आज, क्योंकि आपके पास आज कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए कर सकती है प्रेरित, और आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा रहेगी। काम की अधिकता के बावजूद भी आज कार्य क्षेत्र में आप में ऊर्जा देखी जा सकती है, और आज आप दिए गए कार्य को तय वक्त से पहले ही पूरा कर पाएंगे। दूसरों को राजी करने की जो आपकी प्रतिभा है, आपको उसका काफी फायदा मिलने वाला है, और यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद भी देने वाला है। उपाय आप करें, किसी भिखारी एवं अपंग व्यक्ति को खाना खिलाने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा और शुभ अंक आपके लिए 4। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, तो साथियों शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान एवं योग करना उपयोगी रहेगा, और आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमाने में सक्षम रहेंगे। कोई पुराना मित्र शाम के समय फोन करके पुरानी यादें ताजा कर सकता है, और सच्चे और पवित्र प्रेम का भी आपको अनुभव करना चाहिए। नई परियोजनाओं और जो खर्चे हैं उनको फिलहाल टाल दें, अच्छा रहेगा, और जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आज आपको अपने लिए कुछ पर्याप्त समय जरूर मिल पाएगा, और आप अपने पसंदीदा कार्यों को कर पाने में भी पूरी तरह से होंगे कामयाब, और यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर हो सकता है, और आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ खास देखने को भी मिल सकता है। उपाय आप करें, अपनी पॉकेट में तांबे का एक सिक्का आप रखें, आपकी जो नौकरी है यानी रोजगार या फिर व्यापार जो भी आप करते हैं
उसमें आपको अच्छी उन्नति हासिल होगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद, शुभ अंक आपके लिए सात। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन, साथियों बताना चाहेंगे कि आप जो वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं, आज के दिन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और आज आपको यह समझ में आ सकता है कि धन को बिना सोच विचारे अगर कहीं खर्च किया जाता है तो उसका कितना नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो दोस्त जो हैं आपके, वो निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलअंदाजी कर सकते हैं और आज का दिन रोमांस से भरपूर होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। और महिला जो सहकर्मी हैं आपकी, मित्र हैं, बहुत आपके लिए किसी भी कार्य में मददगार साबित हो सकती हैं और अटके कार्यों को भली भांति पूरा करने में आपका पूरा सहयोग कर सकती हैं। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर लेकर जाएंगे। आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रच सकते हैं। आज इसकी बहुत अच्छी संभावना है। उपाय आप करें, चांदी के टुकड़े पर शुक्र का यंत्र खुदवाएं और उसकी नियमित रूप से पूजा करें। पारिवारिक जीवन सुखद और खुशहाल बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए आज दो। धनुराशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, तो साथियों जिस तरह मिर्च खाने को, थोड़ी सी मिर्च अगर आप डाल लेते हैं अपने खाने में, दाल सब्जियों में, तो उससे थोड़ा सा भोजन का टेस्ट बढ़ जाता है। तो जिस तरह से जो मिर्च है खाने के टेस्ट को और बढ़ाती है, उसी तरह थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी होता है और तभी सुख की असली कीमत का पता भी लगता है। आज आपके माता पिता में से कोई आपको धन की बचत करने को लेकर के लेक्चर दे सकते हैं और आपको उनकी बातों को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं। अपने बच्चों को अपने उदार बर्ताव का बेजा फायदा बिल्कुल ना उठाने दें। बहुत खूबसूरत और प्यारे इंसान से मिलने की प्रबल संभावना बनेगी और करियर से जुड़े फैसले आप स्वयं करें, बाद में इसका लाभ आपको मिलने वाला है। और बिना किसी को बताए आज आप अकेले वक्त बिताने घर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप अकेले तो होंगे लेकिन शांत नहीं। आपके दिल में आज के दिन कई चिंताएं रहेंगी। आपको ये महसूस होगा कि शादी के समय किए गए सारे वादे सच्चे हैं और आपका जो जीवन साथी है वो आपका अपना हमदम है। उपाय आप करें, गंगा जल को लगातार 108 दिन घर में छिड़कने से पारिवारिक जीवन की सभी समस्याएं जीवन से दूर होंगी। शुभ रंग आपके लिए काला, शुभ अंक आपके लिए आज पांच। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, प्रिय साथियों आपको बताना चाहेंगे कि मजबूती और निडरता का जो गुण है आपकी मानसिक क्षमताओं में करेगा वृद्धि और किसी भी तरह के हालात को कंट्रोल में रखने के लिए इस रफ्तार को बरकरार जरूर रखना चाहिए। आपके पिता की कोई सलाह आज आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ दिला सकती है, यहाँ तक कि धन का भी कुछ लाभ करा सकती है। बच्चे आपको घरेलू काम काज निपटाने में कर सकते हैं आपकी मदद और आज आपके और आपके प्यार के बीच कोई तीसरा भी आ सकता है, लेकिन ऐसे काम में आप हाथ जरूर डालें जो रचनात्मक प्रकृति के कार्य हैं और आपका आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व आज सभी के दिलों को अपनी ओर खींचने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन आपके परिवार के चलते हुए नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, लेकिन आप दोनों होशियारी से चीजों को संभाल पाने में सक्षम रहेंगे। उपाय आप करें, सुबह उठते ही जमीन पर पांव रखने से पहले भूमि यानी कि मंगल पुत्र, भूमि यानी कि भूमि पुत्र जो मंगल हैं उनको आप प्रणाम करें। ऐसा करने से रोजगार या व्यापार में आपकी तरक्की होगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, शुभ अंक आपके लिए नौ। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, तो साथियों तरोताजा होने के लिए अच्छी तरीके से आप आराम जरूर करें। अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय अपने आराम के लिए भी निकालेंगे तो आप अपने आप को काफी एक्टिव महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपका कोई पुराना मित्र आज कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए आपको एक अच्छी सलाह दे सकता है और अगर इस सलाह पर आप कार्य करते हैं तो आपको धन लाभ हो सकता है। बच्चे आपको घरेलू काम काज निपटाने में आपकी कर सकते हैं मदद और आपका प्रिय आपको खुश रखने के लिए कुछ खास आपके लिए कर सकता है। दलालों और व्यवसायियों के लिए अच्छा दिन रहेगा क्योंकि उन्हें मांग में इजाफे से फायदा हो सकता है। जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त थे उन्हें आज अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं और आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्किलों को एक तरीके से
आसानी से उनका सामना करने में सक्षम भी रहेंगे। उपाय आपको बताएं कि आपने भोजन में से कुछ हिस्सा निकालें और पहले गाय को खिलाएं, अगर आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। शुभ रंग आपके लिए लाल और शुभ अंक आपके लिए 1। मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। साथियों, आज आपके पास अपनी सेहत और लुक से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए काफी समय रहेगा और इस राशि के कुछ लोगों को आज संतान पक्ष से भी आर्थिक लाभ होने की संभावना दिख रही है और आज आपको अपनी संतान पर काफी प्राउड आप महसूस करेंगे। आज के दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब होंगे। आपका प्रेमी आज आपकी बातों को सुनने से ज्यादा अपनी बातें आपसे कहना ज्यादा पसंद करेगा, जिसके कारण से आप थोड़े से चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, खिन्न हो सकते हैं, बोरिंग जिसको कहते हैं, बोर हो सकते हैं। कारोबारी जितना हो अपने कारोबार से जुड़ी बातों को किसी से बिल्कुल शेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप ऐसा कर रहे हैं या करते हैं तो आप किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। खाली वक्त का आज आप सदुपयोग करें और उन कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। रोमानी गाने, महकती मोमबत्तियां, लजीज खाना और पेय, यह दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए ही है। उपाय आप करें, सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें, गुड़ चावल गेहूं लाल सिंदूर लाल पुष्प उसमें जरूर डाल लें। अगर ऐसा करके आप जल यानी कि अर्घ्य देंगे सूर्यदेव को तो आपकी नौकरी या व्यापार में आपको अच्छी उन्नति भी हासिल हो सकती है। शुभ रंग आपके लिए केसरी, शुभ अंक आपके लिए 3। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, लेकर के मेष से और मीन तक उनका दैनिक राशिफल दिनांक 30 नवंबर 2023, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2080 का। और हमने इसके माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है आप सभी 12 राशियों के जातक अपना दिन किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। दैनिक राशिफल के माध्यम से ये जानकारी आप हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमें इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना होगा और अपनी वाणी को भी देना होगा विराम, और इसी के साथ अपने आप सभी मित्रों से भी लेनी होगी इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।